तो ये थी हमारी गाड़ी, अमेजिंग सर, उम्मीद अमेजिंग। करते हैं सत्या जी की ऑडियंस को पसंद आएगी। बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी। बीवी ये कहती है चलो यार आप अकेले एंजॉय करो, सिमरन बन जाओ, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो मुझे सिमरन बना दिया है इसने। हाँ जी देख रहे हो विनोद, कितनी बढ़िया ऑनिंग हुई है, गजब की लग रही है ऑनिंग अपनी होंडा सिटी में। इससे ही है सिस्टम अपना, ऐसे ही आराम से बैठो आराम से। ओहो क्या चमक रही है, आगे का भी मॉल देख लो। हनी भाई क्या कर रहे हो? ये वॉल तैयार कर रहे हैं धूप के हिसाब से। अरे वाह, इधर वाली नहीं लगा रहे आज क्योंकि धूप धीरे धीरे इधर आ जाएगी, धूप इधर आ जाएगी। हाँ। तो छाया इस हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि हमारे पड़ोसी शेयर कर सके छाया। आप देख लो जिसकी गाड़ी उसकी छाया उधर जा रही है, उधर जा रही है, सही बात है। बीच में शेयर करेंगे इतना बड़ा, देखो देखो इधर भी आ गई है। हाँ सही बात है। सनी भाई आपने तो ये जो रूम बना लिया ना बहुत बढ़िया बना लिया वैसे, नो डाउट इतना टिकाऊ सस्ता। ये मुझे आप लिंक भेजने वाले हो ना? हाँ ये सबको भेजूंगा मैं, ग्रुप में डालूंगा लिंक डाल देना। बेसिकली अगर आप अगर कोई सर्च भी करना चाहता ना तो इसको सैंड बीच कहते हैं, जो बीच दो सैंड बीच ब्लैंकेट। ओके ब्लैंकेट ना यार, आप बहुत कैंपिंग शैंपिंग करते हो और पूरे मार्केट में आपने छा गए हो, क्या कर रहे हो आप? कुछ ऐसा क्या करते हो जो लोग आपके दीवाने हो गए हैं? मार्केट में नहीं, हम आपके दिल में छाना चाहते हैं। आप हमारे दिल में हो ही हो। पिछले दो साल से यार मैं चाहता था आपको पकड़ूं, कैसे पकड़ूं, और आपका ही फाइनली पकड़ लिया। पकड़ लिया आपको, चलो लकी हूं कि आपने मुझे आने का मौका दिया और आपके कारण मैं आया हूं। और अब तो आपके साथ कहीं पे भी आप होंगे ना, मैं आपको बस आपको बस फोन कॉल, बस मैं आप मुझे मैसेज दे रहे, बट मैं आऊंगा सोलो। मेरी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है सोलो की, बीवी कहती है चलो यार आप अकेले एंजॉय करो, सिमरन बन जाओ, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो मुझे सिमरन बना दिया है इसने। अपनी सिमरन को भी जिंदगी जीने दे, जा जी ले अपनी जिंदगी, जी जी। तो वही वाली कहानी है मेरा। तो सर ये थोड़ा सा आइडिया लेना चाह रहा था, इस गाड़ी में आपने कैसे कैंपिंग करते हो, क्या क्या आप प्रोडक्ट्स है और किस तरीके से आपका बेड है, क्या है, थोड़ा सा समझाया मुझे। बेसिकली आप कह सकते हो मैंने जो कुछ भी इसमें किया है 70% DIY है जी, 20% या 30% जो भी है, 10% इधर उधर कर सकते हो आप जी। जैसे ये टार जी, ये DIY नहीं। ओके ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो DIY हम नहीं कर सकते, बट आई स्टिल रिमेम्बर मैंने उसको भी कोशिश की है। वो आप देख रहे हो वो जिसको बीच ब्लैंकेट के नाम से जाना जाता है जी, ये तो ये बेसिकली ये टार्प है जो ये मैं रूम बनाता हूँ जो अपना जी उसके लिए यूज करता हूँ। तो ये वाटर रेजिस्टेंट है जी, ये वाटर प्रूफ नहीं है। तो इसमें मैंने DIY क्या किया था, मेरे एक व्यू मैंने बनाया है, इसमें आप क्या करते हो कि आप क्लियर सिलिकॉन और जो कलर को डाइल्यूट करने के लिए क्या बनाते हैं वो क्या होता है, थिनर कहते हैं उसको, हाँ, हाँ। वो डाल के इसके ऊपर आप एक कोटिंग कर सकते हो तो ये वाटर प्रूफ हो जाती है। कोशिश की थी कि कोई बंदा अगर 500 या 600 रुपये में टार्प चाहता है वाटर प्रूफ तो वो ये ट्रायल कर सकता है, अगर आप इच्छा मतलब एक आपके अंदर है DIY करने की तो जी, उनके जी। लिए ये है। और ये रहा अपना किचन, नहीं किचन तो बहुत ही बढ़िया है आपका। और ये किचन बनाने का मकसद सुन लो आप, मकसद हाँ। इसका बनाने का ये था कि हम लोग ज्यादा सामान लेके चलते हैं, बेशक वो पोर्टेबल है, एग्रीड की पोर्टेबल है सब कुछ, कैंपिंग में पोर्टेबल होता है, बट हम लोग कभी भी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि ये कम पड़ गया वो कम पड़ गया, वो वाली सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने ये वाली चीज बाहर निकाली है ताकि अंदर स्पेस ज्यादा हो जाए। ठीक है, अंदर स्पेस बिल्कुल हो गई के लिए मैं ये बाहर लाया हूँ। तो अब क्या है, मेरे पास ये टेबल है जैसे जी, जब आप कुछ भी करते हो तो चॉपिंग करते हो कुछ भी करते हो ये चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होती है। देखो मेरा खाली है ना? हाँ खाली है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे, यानी कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके ये ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है? आई गॉट योर पॉइंट। जो सामान रखने की जगह ज्यादातर लोग घेर लेते हैं ना हमारे टेबल, वो टेबल खाली पड़ी है, दिख रही है आपको? क्यों दिख रही है? क्योंकि आपने सामान यहाँ रखा हुआ है। मैं यहाँ बैठा हूँ बेसिकली, मैं यहाँ पे कुक कर रहा हूँ बैठ के। हाँ ठीक है। हाँ और इधर अपना सारा सामान पड़ा है। हाँ यहाँ से उठाया। हाँ यहाँ ड्रॉर है। हाँ सारा राशन पानी यहाँ पड़ा। करेक्ट करेक्ट। आगे वाले कोई भी दरवाजे को मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं, वहाँ कुछ नहीं। ओके वहाँ हमारे कपड़े हैं, वहाँ हमारे टूल्स हैं जी, रसोई सारी टोटली बाहर। बहुत बढ़िया। मैं ऐसे नहीं करता कि आगे गया पीछे गया, पहले करता था। की वजह से मुझे ये हेल्प मिली कि अब मुझे नहीं करना। अच्छा अभी इसका इसका कितना, ये भी बहुत इजी है, इसको बंद करना फोल्ड करना क्या है? बंद करना बस आपको इतना करना पड़ेगा कि जब जैसे डिक्की को डिक, हाँ पहले इसको बंद करूंगा जी जी, फिर ये बंद होगा। ओके ये डिक्की के ऊपर चला जाएगा। हाँ डिक्की के ऊपर जाकर फोल्ड हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा फ्लैट। ये हमारे हो गए ड्रॉर्स। हाँ वाह भाई, ये यूटेंसिल्स हैं आधे अभी बाहर हैं। हाँ
सिलेंडर इस कोने पे रखा हुआ है जी जी, ठीक है, और सिलेंडर पड़ा, सिलेंडर हो गया, बिल्कुल ठीक बात, कनेक्टेड ही रहता है, कनेक्टेड रहता है, हाँ। और ठीक इसी के नीचे आपने वाटर टैप देख लिया, बिल्कुल देख लिया जी मैंने वाटर टैप, ठीक है, बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड, हाँ, इजी टू मेंटेन, करेक्ट, टैप भी देख रहे हो आपने, बिल्कुल बेसिक है ना, हाँ, कोई डिजाइनर कुछ नहीं इसमें, नहीं, और यहाँ से पानी इन यहाँ से होता है, कहाँ से, जहाँ से फिल करना, ये दिख रहा है आपको, अच्छा यहाँ से इन होता है, ओके, ये नॉर्मल पाइप है, कोई मोटर नहीं, ये प्लग लगा रखा है आपने बस, ये खाली इसको कवर किया मैंने बस, ऊपर से ढक्कन, ओके ओके, कोई भी इंजीनियरिंग इसमें इस्तेमाल नहीं हुई है, नॉर्मल बिल्कुल देसी, पाइप के टुकड़े को लेके एक तरफ स्टेपल कर दिया बस, गजब गजब भाई, देख लो आप ढक्कन भी जो बनाया है ना, हाँ, वो भी स्टेपल किया हुआ, हाँ, कॉपी पेस्ट मत करो, सर कॉपी पेस्ट लोग लो, लो करेंगे, मैं नहीं करूंगा, लोग करेंगे देखना, अरे फोटो नहीं खींचना, वीडियो बना रहा हूँ, टैंक इसके नीचे 45 लीटर, अच्छा मोटर यूज हो रही है, स्प्रे वाली होती है, और एक बच्चा ड्रॉर, ये भी आपको दिखाई दीजिए, वो भी देता हूँ साथ के साथ, पकड़ना बेटा, ये तो आपकी किचन तो बहुत ही खूबसूरत है, हमारा फिर थोड़ा सामान आ गया, थोड़ा पीछे वो, गजब सर, गजब, ओए सर कहाँ पहुँचा दिया, कुतुब मीनार बना दिया आपने क्या करा है आपने, ठीक है, हाँ, तो शायद ही आपने देखो कैंपर वैन ज्यादातर भरी रहती है ना, हाँ, मेरी आपको खाली भी नजर आएगी, तो ये बताओ आप छा गए इस बात में, नहीं 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 ये आप गलत कर रहे हो सर, आपने जो इतना भर के सामान लाया इसलिए आपका सामान गायब हुआ है, अगर कम लाते तो आपको याद रहता इतना कम है मेरा, ये कम लाते ना गायब ही नहीं हो सकता सामान, एम आई राइट सर, हाँ, अब मुझे पावर वही आपसे पूछने वाला था, पावर मैनेजमेंट के लिए क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पे लगाया सोलर कन्वर्टर जी, इसकी प्राइस है 325 रुपीज, अच्छा ओके, लोकल किसी भी शॉप पे आप 325 रुपए, 325 रुपए का है, आप मजाक कर रहे हो ना, जानबूझ के करते हो आप ऐसा, देखो मैंने फार्म हाउस से करवाया वहाँ 325 है, दिल्ली में 425 हो जाएगा, बस देख लो भाई क्या कर रहे हैं ये, तो मतलब जो इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट्स बेचते हैं उनकी दुकान बंद कराओगे क्या, दुकान किसी की एक ऑप्शन दे रहा हूँ, जिससे जैसे आप देख रहे हो ना नैनो वाले, हाँ, कर रहे हैं, हाँ, अब यहाँ पे रेंज रोवर भी, हाँ, नैनो भी, हाँ, इससे आप समझो, समझ रहा हूँ कि हर पॉकेट, हाँ, नहीं कैंपिंग कर सकते, हाँ, तो यहाँ पे दो देख रहे हैं आपको, ये मेरे लिए लैपटॉप के लिए, हाँ, ठीक है, मैंने लैपटॉप के लिए रखे हैं इन दोनों आउटपुट, हाँ, ठीक है, फोन वगैरह तो मेरे वैसे ही चार्ज हो जाते हैं, कुछ जरूरत नहीं पड़ती खास मेरे को जी, और ये एक इधर दिख रहा है आपको, हाँ, ये डीसी है, अच्छी डीसी है, सिर्फ डीसी, ओके, ठीक है, ठीक है, इसको मैं डीसी फैन लगाना है तो यूज करता हूँ, हाँ, और पानी के लिए नीचे डीसी मोटर लगी है तो यूज करता हूँ, तो डीसी सॉकेट है ये, हाँ, ओके ओके, सिर्फ डीसी है, डीसी है, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट नहीं करता, ये डायरेक्ट डीसी वाला अलग से, ये सीधा बैटरी से आउटपुट आ रहा है, हाँ जी, और ये क्या है, ये पिटारा क्या है जी, जादू का, ये हो गया, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं, ओके, तो ये आपका मतलब मेरे ख्याल में अब तो ये तो आप जब महीने के 25 दिन घूमते हो तो पड़े रहते होंगे कपड़े, निकालते तो होगी नहीं, जरूरत पड़ती है, जैसे जहाँ पे स्नान कर लिया, हाँ, नहा लिया वहाँ पे कपड़े चाहिए जी, तो यहाँ पर ये इतनी दो पॉकेट्स बना दी जी, एक तो ये बेड को सपोर्ट देगा जी, दूसरा ये कभी होल्स हो गए कुछ सामान रखना हो उधर मेरे देखो वो पड़े कैंस उस साइड पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है जी, ठीक है, हाँ, इधर भी आप कोई भी सामान रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसको कर दिया कवर, कवर कर दिया जी, बंद हो गया, ये सपोर्ट भी दे रहा है, हाँ, ये सपोर्ट भी दे रहा है, हाँ, एक देखो डबल डबल है, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट सर पावर मैनेजमेंट की बात रह गई, इसमें आपने कैसे कर वो कर क्या रहे थे, ये आपको बैटरी दिखाता हूं, हां ये तो कन्वर्टर हो गया, कन्वर्टर हो गया, हां हां, पावर आती किधर से, हां यस थोड़ा वो बताओ सर, बोनेट खोलते हैं, अच्छा बोनेट खोलना पड़ेगा, सिंपल फंडा मतलब कोई डिजाइनर चीज नहीं होगी, और सस्ता वाला बताओगे आप ना, हाँ बिल्कुल, बस ये मैं भाई मैं भी महंगा मैं खरीद नहीं सकता जी, फंस नहीं अभी पैसे से, हाँ सस्ता ही बताओ मुझे आप, बोनट बोनट हैवी भाई, बहुत हैवी है इसका, ओके जी भाई, डुअल बैटरी सिस्टम, ओ वाओ, डिफॉल्ट डिफॉल्ट ही है, डिफॉल्ट ओके, ये नहीं लगवाई आप, ये बैकअप जो अंदर पावर मैनेजमेंट देखा है, ओके यहाँ से हो रहा है, ये 80H की है, अच्छा ये 80H की है, ठीक है, ये 70H, ये बाय डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट है, इसका सिर्फ इंजन से मतलब है, अच्छा कोई मतलब नहीं, स्टार्ट करनी है वो यहाँ से होती है जी, और ये हमारी होगी जो पावर मैनेजमेंट है वो सारा यहाँ से जा रहा है, 75H है, ओ ठीक है, हाँ। और यहाँ से ये क्या कट करने के लिए, यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ अगर, हाँ। तो इस बैटरी से, हाँ। ना ये चार्ज होगी ना ये इसको कंज्यूम कर पाएगी, सिर्फ वही यूज होगी, डिफॉल्ट बैटरी से कनेक्शन काट देता है इसका, अच्छा ये कट करने से फिर से बताइए क्या बोला, मैं समझ नहीं पाया, हाँ अभी ये ऑन है, ऑन है, हाँ ठीक है जी, तो क्या होगा
ये पैरेलल दोनों चार्ज हो रही है। अच्छा दोनों चार्ज हो रही है, ठीक है ठीक है। जैसे ही मैं अपनी साइड पे पहुंचा मैं इसको बंद कर सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी, ना भी करूँ। अच्छा फॉर ड्रेन ना हो जाए कभी आपकी, ये ड्रेन ना हो जाए, ये ड्रेन ना हो। हाँ हाँ, इसलिए मैं इसको बंद कर दूंगा। करेक्ट, वो सिर्फ जो कुछ भी पीछे बिजली यूज हो रही है वो इससे होगी, इससे होगी। ओके, ये हमारा बैकअप ये सेम रहेगा, सेम रहेगा। ओके समझ रहे हो, मैं समझ गया। हाँ, तो इसको मैं ऑन रखता हूँ हमेशा। हाँ, क्योंकि जो ये गाड़ी चलाते हैं वो तो ऑन रखते होंगे। नहीं, वैसे भी ऑन रखता हूँ मैं। अच्छा, वो इसलिए रखता हूँ क्योंकि मेरा यूसेज है ना जो हाँ, कम है, बहुत कम है। अच्छा, कम है। और फिर आप अपना ध्यान रखते हो कि मैं यूसेज ज्यादा ना हो रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि 24 आवर्स से ज्यादा मैं गाड़ी को एक जगह पे ना स्टार्ट कर दूं एक बार। ठीक है, साइलेंट मोड पे नहीं रखता, एक बार स्टार्ट जरूर कर। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया है सिस्टम का। अच्छा, बताता हूं आपको। जी जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, ये बैटरी हाँ, और अंदर जो कन्वर्टर लगा है और हाँ, वायर्स हाँ, सब कुछ हाँ, 7000। ओह माय गॉड, सब कुछ 7000 बताइए। और ये इतना ये मतलब ये मैं कहूँ ज्यादा सबसे सस्ता जुगाड़, कन्वीनियंस भी बहुत है इसमें, आपको उठा के निकालना नहीं सोलर चार्ज। देखो हाँ, बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि आप ऐसी जगह पे चले गए जो बिल्कुल डेजर्टेड है। हाँ ठीक है, अरे सर तो मैं ऐसी चीज नहीं लगाना पसंद करता जो एक नॉर्मल मैकेनिक उसको मेंटेन ना कर सके। ठीक बात, रिपेयर ना कर। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं लेके जाऊंगा, कोई भी कार मैकेनिक इसका कुछ भी कर सकता है। ये लगवाता हूँ, ये आपसे मैं अलग से फोन करूंगा, स्पेशली मैं कैसे कैसे वायर करने बता दीजिएगा मुझे, अल्टरनेटर चार्जिंग के लिए। मैं कहूँ यहाँ से सिंपल मुझे लग रहा है यहीं से इसको कनेक्ट करना है, यहीं से कनेक्ट हुई है। अच्छा, ये यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से कर दिया। अल्टरनेटर जो इसका डिफॉल्ट है वही है, बट आपको पूछना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया पावर मैनेजमेंट का हो गया आपका। और आपने किचन तो दिखाई दी, पानी का टैंक आपने बता दिया 45 लीटर का टैंक है नीचे, वो अपना हाथ अपना आपको बर्तन धोने हो या अपना जो भी आपको बेसिकली कर्म के लिए आप और पीने का पानी के लिए तो सर अपना वो पीने के पानी के लिए हमारे पास जो वो वाटर जग होता है 10 लीटर्स का, मयूर जग जिसे कहते हैं, वो हम भर के ले जाते हैं। तो हमारे आई थिंक बच्चा है तो 2 दिन, ओके, क्योंकि 2.5 लीटर भी लगा लो पर डे, 2 दिन निकल जाते हैं। हम दोनों अकेले होते हैं 3 दिन भी निकल जाते हैं, बाकी जैसे निकलो आप पानी मिल जाता है। 20 लीटर का जेरिकेन हमने अलग रखा है, पोर्टेबल वाला। अच्छा पोर्टेबल वाला, हाँ। वो जो जो प्लास्टिक का वाला हो जाता है। हाँ, उधर पड़ा है बाहर उस साइड पे। जी 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 जी, वो बहुत अच्छी। तो आप नेचर का पानी पी रहे हैं या नहीं पी रहे? पी रहे हैं। अरे वाह, TDS चेक करके। TDS चेक करते हैं, बट वो ऐसा होता है कि वो TDS बिस्लेरी से भी अच्छा होता है। मैं ये मानता हूँ 30 भाई, उन्हें अभी देख रहा हूँ 29-30 मिला पहाड़ों में। मुझे आप सही कह रहे हो, बता रहे हो। 22 तक भी गए। कौन सी जगह थी? हम लोग यही लोहा घाट में थे। 15-16। ओह माय गॉड। अरे ये सोने का सिस्टम वहाँ बताइए सर कैसे आप सोने का सिस्टम। हाँ, हाँ। ये बहुत जरूरी है ना, आपको दिखाता हूँ मैं। जी, जी। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ये लगा रखा है टेंट, तो सारा हमारा इसी के अंदर है। अच्छा, अभी तो आपने इधर कर रखा है, ठीक है। ये तो अभी आप फिर 2 दिन आपको यहाँ स्टे करना। हाँ हाँ बच्चा है। हाँ हाँ हाँ, तो ये हम पहली बार ही कर रहे हैं इसको यूज हम। अभी तक तो हमें अच्छा लगा। ये तो बहुत बड़ा है सर, तो चार जने सो सकते हैं। चार एडल्ट सो सकते हैं। हाँ, चार एडल्ट आराम से सो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खुले हो, खुले हो। हमारे पास स्लीपिंग बैग है, एक कंबल है, 3 तकिए। आई थिंक ये स्लीपिंग स्पेस 8x8 है शायद। ओके, 8x8। तो ये तो डीकैथ का तो नहीं है सर? ये डीकैथ का नहीं है, ये फ्लिपकार्ट का ब्रांड है। वाओ, अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। अभी टेस्ट हो रहा है। ओके, तो पहली बार मैंने यूज किया, तो अब इसकी रिपोर्ट आएगी अभी थोड़े दिनों। और इनकेस अब ऐसे अगर आप बेबी नहीं आती तो फिर कहाँ इसमें सोते हैं? तो हम गाड़ी में सोते हैं, गाड़ी में सोते हैं। तो ये अभी तो हमने सामान रखा है। अच्छा, यहाँ से आप देख लो पूरा एक फ्लैट बेड है उधर तक। ओहो गजब, ठीक है। और यहाँ नीचे स्टोर था। ऑसम। और ये मैं आपको अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे 2 बॉक्स हैं। तो अभी तो मैं इसको हटा नहीं सकता। हाँ, नहीं, नहीं, कोई नहीं। इसमें क्या है, बेसिकली मेरे जो गाड़ी से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जी, सारे टूल्स इसके अंदर हैं। उसमें जैसे अलग, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक अलग रखा है, टूल्स अलग रखे। कोई अंधेरे में भी पता कि मुझे कहाँ ढूंढना है सामान। हाँ, तो आप बता दोगे रात को भी किसी भी कार रखी है? जो कम यूज होगा, ठीक है, जो ज्यादा यूज होगा तो हमें देखना पड़ता है ना, इजी टू ओपन। जी जी, इजी टू ओपन हो गया। ओके, तो ये जो है ये इसको हम हटाते हैं, ये बॉक्स रिमूवेबल है। जी जी, क्यों रिमूवेबल है? ये इसलिए रिमूवेबल है कि इन केस ये क्या होगा, ये बैंड होके ऐसे फ्लैट चली जाएगी नीचे। जी, जब ये हटेंगे यहाँ पर, इन केस हम इसको, हमारी दूसरी गाड़ी अगर बिजी है तो किसी को अगर बिठाना है तो यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे लेग स्पेस क्रिएट हो जाता है। करेक्ट, इसलिए हम लोगों ने इसको रिमूवेबल रखा है। ओके, फिक्स नहीं कराया है। ये बहुत लेग स्पेस बिल्कुल होनी चाहिए, मिल जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो सीट है आगे पीछे करनी पड़ती है बेड लगाने के लिए, या इसमें भी कोई ऐसा? वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी है, वैसी की वैसी।
मतलब आपको आपको भी मतलब गाड़ी से मतलब अपने ड्राइविंग सीट से हटके आना उतरना हुआ इसमें सीधा बैठ जाना गाड़ी का ना फिल करनी पड़ती है कुछ नहीं करनी पड़ती वाह जैसी है वैसी डिपेंड करता है हम बाकी सामान कोशिश करते हैं जैसे टेबल हो गई चेयर हो गई जी 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 ये हम गाड़ी के ऊपर ऊपर रख लें तो यहाँ पे भी आप एक बना सकते हैं वैसे स्टोरेज रूम ऊपर बनाने के लिए सोच रहे हैं हाँ हाँ जिससे ये भी कि बेड बिल्कुल बना का बनाया और ऑलमोस्ट चलता रहे साथ के साथ बेड बना बनाया ही रहता है अच्छा बेड बनाया रहता है वो आप रोज करते नहीं उसका नहीं करता वो घर से तैयार करके निकलता हूँ जब मर्जी उसके सामान होता है वो ऊपर आगे रख लेते हैं थोड़ा क्या लुक आ गया ना पेंट की जरूरत है ना कुछ हुई बंदे ने क्या मेहनत की होगी सही बात है दिख रहा है बिल्कुल ये साइड पे जो बना रखा है सब कुछ 800 ओनली नो डाउट और जो लेटेस्ट किसी चैनल पे नहीं आया वो ये है ये मेरे अपने चैनल पे भी नहीं आया ये मैंने जो बनाया अच्छा इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल की ये है तो इसमें क्या किया है बंदे के पास गया उसके पास एक शीट थी लंबी सी 20 कांटे कब्जे लगा दिए डाइमेंशंस के हिसाब से बस तैयार बहुत बड़ी रॉकेट साइंस क्या रॉकेट साइंस है वाह बट एक्सलेंट मतलब ना इसमें मुझे लगता नहीं आपने मुड़वा भी दिया हाथ कटने का चांस भी करने का चांस भी नहीं है कुछ भी नहीं है हाँ बिल्कुल मजा आ गया साहब सनी भाई छा गए आप तो जो काम करते हो कम पैसे में सबसे ज़्यादा मज़ा लेना वो मैं भी उसी में विश्वास करता हूँ मैं उसी में मस्त यही है ये तो मैं आपको भी कहूंगा ये मुझे चाहिए सर हाँ ये जो आपने अवर्निंग के साइड में ना क्या है यही चीज मार्केट में सबसे कॉस्टली है अगर आप पूरा रूम क्रिएट कराते हो आई थिंक आप 50 प्लस तक जा सकते हो हाँ आराम से ऊपर अवर्निंग साइड पे रूम करना है तो 50,000 आप लगा के चलो बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको सुबह भी बताया था 2200 की ये ऊपर वाली टार ये 500 और ये 500 बताइए ये जो अवर्निंग का जो रूम बनाते हैं बनाया जाता है पूरा रूम कम से कम सर मिनिमम स्टार्ट 15,000 रुपए से 15,000 मिनिमम और ये मैं आपको दूर से दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स को क्या अवर्निंग का व्यू है ये बैठे हैं सनी भाई देखो अपने रूम में गजब जाए और ये अपना रूम बन गया अगर 10x10 का कमरा बन गया और दूसरी बात दूसरे जो होते ना जो आपके रूम्स आते हैं फ्लैट डाउन होते हैं हाँ इसमें क्या हमने टिल्ट कर दिया बिल्कुल ठीक और ज्यादा स्पेस चलिए बड़ा अच्छा लगा जी मतलब मैंने यहाँ आके कोई गलती नहीं करी यहाँ ये मैं मानता हूँ थैंक यू वेरी मच अमेजिंग सर अमेजिंग बिल्कुल बिल्कुल पसंद आएगी थैंक यू फॉर योर टाइम और लोग इंस्पायर भी होंगे इंस्पायर बिल्कुल होंगे।